नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की सुरक्षा में मंगलवार को बड़ी चूक हो गई। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यूथ कांग्रेस के जिला सचिव छोटू उर्फ अवधेश तोमर पर हमला हो गया। हमलावर लोडेड कट्टा लेकर यात्रा में घुस गया। उसने दो बार ट्रिगर दबाया, लेकिन दोनों बार फायर मिस हो गए। वह तीसरी बार कट्टा लोड करने लगा तो भीड़ ने पकड़कर उसे धुन दिया, लेकिन इतने में ही किसी ने उसे भीड़ से बाहर कर दिया। बाद में पता चला कि हमला करने वाला जीतू गुर्जर खुद भी कांग्रेस कार्यकर्ता है और गोला का मंदिर शराब ठेके पर काम करता है। उसका यूथ कांग्रेस नेता छोटू से कई बार झगड़ा हो चुका है। हमले से 20 मिनट पहले भी बरैठा टोल पर पहले कार निकालने पर दोनों में बहस हुई थी। वहीं सतना शहर की लाइफलाइन माने जाने वाले ओवरब्रिज पर बीती रात भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक की टक्कर से बुलेरो के परखच्चे उड़ गए। बुलेरो का चालक काफी देर तक स्टीयरिंग में ही फंसा रहा। पुलिस ने लोगों की मदद से चालक को निकाला। मंगलवार को देर रात लगभग 11 बजे सिविल लाइन की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बुलेरो की सीधी भिड़ंत सामने से आ रहे ट्रक से हो गई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुलेरो के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। उसका ड्राइवर सीट व स्टीयरिंग के बीच में ही फंस गया। गनीमत यह थी कि उस वक्त उसमें चालक के अलावा कोई और सवार नहीं था। हादसे के बाद ओवरब्रिज पर भीड़ लग गई और दोनों तरफ से आवाजाही ठप हो गई। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।